एवरीवन, आज हम लोग एनसीएफ 2005 के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर जो इसके पहले की वीडियो आप लोगों ने देखी है एनसीएफ 2005 की जो हमारी है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप इसके सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका प्रोफेसर यशपाल। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि 1993 में क्या होता है, प्रोफेसर यशपाल जो समिति है वो उसी की अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 तैयार किया गया। ठीक है, फिर क्या है, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के कब आया हुआ विचार था? तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि 1993 में यशपाल समिति जो है वो एनसीएफ 2005 को तैयार करती है और इसका जो मुख्य सूत्र होता है वो क्या है, शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक, तो यह इसका सूत्र हो जाता है और यह कब आया था, 1993 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किए गए सुधार को सुझाया गया है? तो एनसीएफ के अंतर्गत कौन कौन से सुधार किए गए? तो सबसे पहला है सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक परीक्षा मूल्यांकन। ठीक है, तो पहली बात तो सामूहिक कार्य को इम्पोर्टेंस दी गई, दूसरा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, और नेक्स्ट वन इज़ खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाएंगी, ये एनसीएफ 2005 में कहा गया था। ठीक है, आपको हम ये सब पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है। सामूहिक कार्य का मतलब है कि आप बच्चों को ग्रुप में बिठा करके और फिर कोई कार्य करवाएंगे जिससे कि क्या होगा कि वे एक दूसरे से सीखेंगे। ठीक है, और खुली पुस्तक परीक्षा से तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि उसका क्या ही मतलब है। ठीक है, फिर है कि विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। तो ये प्रश्न आ जाता है कि शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज किसे माना गया है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, एनसीएफ 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन दिया रहेगा वो आपका सही हो जाएगा। फिर क्या है, किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, और किसके सहयोग से? तो एनसीईआरटी के सहयोग से। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों का अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है? तो मैंने आपको बताया था कि इसमें मेन जो दो सूत्र थे वो कौन कौन से थे, एक तो था ज्ञात से अज्ञात की ओर और दूसरा क्या था, मूर्त से अमूर्त की ओर। यानी कि बच्चे को जो ज्ञात नहीं है, बच्चे को जो पता नहीं है, अगर जो आप वहाँ से उसको पढ़ाएंगे तो उसको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो हम जब भी कोई चीज़ पढ़ाते हैं तो उसको हम कोरिलेट करेंगे जो चीज़ें उसे पता है। ठीक है, तो जब ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएंगे तो बच्चा आसानी से सीख पाएगा। ठीक है, और दूसरी बात है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त मतलब जो चीज़ हमारे सामने होती है प्रत्यक्ष रूप से, जिसको हम देख पा रहे हैं, उसके बारे में जो आप जाइए और बच्चे को कहिए कि ये देखो बच्चों कमल का फूल है, और फिर आप उसको एक्सप्लेन करें कि ये कमल का फूल जो होता है वो कीचड़ में निकलता है, यहाँ होता है, और ये सूरज की रोशनी में इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो खुल जाती हैं और शाम होते ही क्या हो जाता है, ये मुरझा जाता है। तो जब आपको आप लोग उनको ये चीज़ बताएंगे तो उनको क्या होगा कि वो चीज़ आसानी से समझ में आएंगी कि हाँ ये कमल का फूल है, और बच्चा एज्यूम कर पाएगा। लेकिन अगर जो आप लोग आकर के उनको सीधे बताने लगोगे, अमूर्त रूप से उनको इमेजिन करने को कहोगे, तो वो उतनी अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए जब भी हम कोई चीज़ उनको बताते हैं तो चीज़ें मूर्त रूप में होनी चाहिए, जो पहले सामने हैं उनके, उससे लेकर के फिर अमूर्त की ओर जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार
मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है। ठीक है, तो NCF 2000 के अनुसार उन्होंने 5 सिद्धांत दिए हैं, तो उसमें से कौन सा है? तो ये क्या हो जाएगा कि ज्ञान को स्कूल की बाहर से जोड़ना। ठीक है, मतलब जो स्कूल का ज्ञान है उसको बाहर के जीवन से जोड़ करके पढ़ाना। ठीक, NCF 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? तो NCF 2005 का प्रमुख सूत्र क्या हो जाएगा? लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है, ये आपका बिना भार के अध्ययन नहीं होगा, क्या हो जाएगा? शिक्षा बिना बोझ के, या फिर इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? NCF 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से है? तो ये भी मैंने आपको अपनी वीडियो में समझाया था कि इसका जो आधार है वो किसे माना गया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक निबंध है, सभ्यता और प्रगति, उसी को आधार मान करके NCF 2005 को तैयार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है NCF 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में बताया गया है। ठीक है, तो इसके अध्याय भी हैं, उसमें आपसे पूछ रहे हैं कि जो यह अध्याय है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, उसमें क्या बताया गया है? तो उसमें वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं, तो इसमें इन्होंने यह बताया है कि जो हमारा वातावरण है वह कैसे हमारे अधिगम को प्रभावित करता है। ठीक है, और वो भी कैसे? भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम को, यानी कि हमें फिजिकली और दूसरा इमोशनली, मतलब मनोवैज्ञानिक का मतलब यही हो गया ना कि साइकोलॉजिकल, और भौतिक का मतलब हो गया फिजिकल। ठीक, तो वातावरण हमें प्रभावित करता है। अब जैसे देखिए कि बाहर क्या हो रहा है, आपके वातावरण में बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर हो रहा है, तो ये इससे क्या होगा कि आप मेंटली डिस्टर्ब होंगे ना। अगर जो आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप टीचर की आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पा रही है शोर की वजह से, तो ये आपको प्रभावित किया ना। तो इसी तरीके से जो वातावरण होता है वो क्या करता है? हमें प्रभावित करता है। इसी के लिए उसके अध्याय विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण में कहा गया है कि बच्चों के अनुसार वातावरण होना चाहिए, बच्चे तनाव मुक्त वातावरण में आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? करिकुलम किस भाषा का शब्द है? ठीक है, तो करिकुलम जो है वो किसका भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, करिकुलम मतलब क्या होता है? करिकुलम, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि को करिकुलर एक्टिविटीज़, तो ये आपके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से संबंधित है। तो सतत का मतलब तो मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, सतत मतलब लगातार या फिर कॉन्टिन्यूअस, और व्यापक का मतलब क्या होता है कि आप उसकी शैक्षणिक जो योग्यताएँ हैं, शैक्षिक कौशल जो हैं, उनके साथ साथ आप उनके कला पे, उनके खेल पे, मतलब उनके पूरी फील्ड में उनका विकास करते हैं, इसीलिए उसको व्यापक बोला जाता है। और जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? को कैरिकुलर एक्टिविटीज़। कैरिकुलर मतलब हमारे शिक्षा से संबंधित, और को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ मतलब कैरिकुलर तो है ही, उसके अलावा भी, कैरिकुलर के अलावा हमारे खेल में बच्चे की क्या प्रगति है, बच्चे की म्यूज़िक में कितना इंटरेस्ट है, मतलब उसकी सारी चीज़ों को चहुमुखी विकास बच्चे का करना होता है। ठीक है, तो ये उसी कैरिकुलम की बात हो रही है। वो ये कहाँ से लिया गया है? यह लैटिन भाषा के भाषा का शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया जाता है? 2005 में। ठीक है, NCF 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? तो कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई? NCERT में की गई, और किस मंत्रालय के द्वारा? तो मानव विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? NCF 2005 में बल दिया गया है। तो NCF 2005 में किस पे बल दिया गया है? शांति के लिए शिक्षा। ठीक है, मतलब कि शांति के लिए शिक्षा होनी चाहिए, इसी पर बल दिया गया है। NCF 2005 में बताया गया है सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति, मतलब NCF 2005 में बताया गया कि जो सपनों का भारत है उसे कैसे हम यथार्थ रूप में धरातल पर
उतार सकते हैं, यथार्थ रूप में वैसा भारत हम बना सकते हैं। ठीक है, यशपाल शर्मा समिति के कुल कितने सदस्य थे? तो जो यशपाल समिति थी जिसने NCF 2005 को तैयार किया था, इसमें टोटल मेंबर कितने थे? 38 थे। ठीक है, NCF 2005 के अनुसार सीखना क्या है? तो NCF 2005 है वो क्या कहता है? बच्चों का चहुमुखी विकास कहने को करता है, मतलब कि उसका मानसिक विकास भी होना चाहिए, बच्चों को शिल्प कला केंद्र के बारे में भी पता होना चाहिए और उसको व्यवसायिक ज्ञान भी होना चाहिए। तो व्यवसायिक ज्ञान से मतलब आपका क्या हो जाएगा? वोकेशनल ट्रेनिंग हो जाएगी, कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बच्चे को पढ़ा रहे हो और वो अपने भावी ज़िंदगी में या फिर जो उसका भविष्य है उसमें वो कोई व्यवसायिक काम कर ही नहीं पा रहा है, तो उसकी शिक्षा का क्या मतलब है? इसीलिए शिक्षा के साथ साथ व्यवसायिक ज्ञान भी दिया जाता है, वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिससे कि वो आने वाले जीवन में कुछ व्यवसाय कर सके और धन अर्जन कर सके। ठीक है, और इसी के तहत शिल्प कला केंद्र भी होते हैं जिसमें हस्त से संबंधित, हाथ से बनाई जाने वाली चीज़ों के बारे में बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट का क्या है आपका? NCF 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? तो उसमें बताया गया था कि जो 10वीं की परीक्षा है वो ऐच्छिक होनी चाहिए। ठीक है, फिर है पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति है। तो क्या होता है कि शिक्षा के, जब हम शिक्षा किसी को देते हैं तो पहले उसके छोटे छोटे उद्देश्य बनाए जाते हैं, कि जैसे कि साइंस आपको पढ़ानी है, ठीक है, तो हम उसके उद्देश्य बनाते हैं कि हमारी फर्स्ट यूनिट में इतने चैप्टर हैं, इसलिए बच्चों को समझाना है, और ये जब पढ़ाएंगे तो उसके भी हम लोग लक्ष्य बनाते हैं कि ये चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट है, ये बच्चों को समझ में आने चाहिए। और उन छोटे छोटे लक्ष्यों की प्राप्ति करते हुए ही क्या होता है कि हम बच्चों को अधिगम देते हैं। जब वो उनको वो लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाती है तो हमारा अधिगम जो होता है वो भी क्या हो जाता है, वो उसको क्या बोलेंगे कि जो हमारा अधिगम है वह हम उसको यह मानते हैं कि जो हमारा अधिगम है वो सफल रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? NCF 2005 का भाषा फॉर्मूला क्या है? तो NCF 2005 में त्रिभाषा का फॉर्मूला की बात कही गई है, यानी कि त्रिभाषाई फॉर्मूले में तीन लैंग्वेज की बात की गई है। कौन सी? एक तो हमारी लोकल लैंग्वेज यानी कि मातृभाषा। ठीक है, मातृभाषा यानी कि मदर टंग कुछ भी हो सकती है, जैसे कि हम लोग घर में रहते हैं तो वहाँ की जो मदर टंग होती है, जैसे अवधी होती है, घर में जो लोग बोलते हैं वो उनकी मदर टंग होती है। तो एक तो मदर टंग, दूसरी हमारी हिंदी या फिर इंग्लिश, मतलब जहाँ पे आप रहते हो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो। ठीक है, और तीसरी आपकी कौन सी हो जाएगी? एक तो मातृभाषा, दूसरी हिंदी, और हिंदी के साथ साथ ही जो राष्ट्रभाषा है। ठीक है, तो ये हमारी त्रिभाषाई फॉर्मूला है। ठीक है, कि इन तीन भाषाओं का बच्चे को ज्ञान होना ही चाहिए। फिर है प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा। तो यहाँ पे देखिए, आपकी बताया गया है कि जो प्रथम भाषा है वो कौन सी है? राष्ट्रीय भाषा या फिर राज्य की भाषा। द्वितीय कौन सी है? अंग्रेजी या फिर अंतर्राष्ट्रीय भाषा। और तृतीय कौन सी है? स्थानीय भाषा। स्थानीय भाषा को ही हम मातृभाषा कह सकते हैं। ठीक है, मातृभाषा या फिर लोकल लैंग्वेज। ठीक है, तो वह कुछ भी हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, तमिल हो सकती है, अवधी हो सकती है, बघेली हो सकती है, थर्ड लैंग्वेज है जो वो, ये बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो किस माहौल में रहा है, उसकी लोकल लैंग्वेज क्या है, वो हो सकती है। और जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो आपकी राज्य की भाषा हो सकती है या फिर राष्ट्र की भाषा हो सकती है। तो जैसे इंडिया है, इंडिया में तो कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं, राज्य की भाषा है, इसलिए फर्स्ट लैंग्वेज आपकी हिंदी हो जाएगी, और सेकेंड आपकी इंटरनेशनल लैंग्वेज हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो जाएगी, जो कि अंग्रेजी हो जाएगी। ठीक है, और थर्ड आपकी लोकल लैंग्वेज हो जाएगी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? NCF 2005 में सुझाव दिया गया कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए। ठीक है, तो NCF 2005 ने कहा है कि सूचना को ज्ञान मानने से मतलब उस पर रोक लगाएगी, कि सूचना को हम लोग ज्ञान ना समझें, सूचना को सूचना ही माना जाए।
ठीक है, अगर जो हम उसे ज्ञान मान लेंगे तो वह प्रॉब्लम बन सकता है। ठीक है, फिर क्या है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण हैं, यह समाधान को पहचानने में सहायता करती है। इसीलिए क्या है कि गलतियां महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, इसीलिए जब बच्चे गलतियां करते हैं तो उनको गलतियां करने देनी चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा कहावत कि बच्चे गलतियां करके ही सीखते हैं। अगर हम गलतियां नहीं करेंगे, बच्चे क्या, हम बड़े लोग भी जब हम कोई काम पहली बार करते हैं और वो गलती होती है तो हम अपनी गलतियों से ही क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, इसीलिए गलतियाँ महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि वह समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। जब हमने एक बार गलती की फिर हम उससे सीखे कि मैंने ये किया था, हमसे ये गलती हुई थी और इसका सॉल्यूशन मैंने ऐसे निकाला था, तो क्या हुआ कि हम एक लेवल ऊपर जाते हैं। ठीक है, अब हमारा अपग्रेडेशन होता है, इसीलिए गलतियाँ करना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है, शिक्षा बिना बोझ के जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है या फिर प्रमुख ये जो है ये सूत्र है, इसका अर्थ होता है, तो इसका अर्थ क्या है कि पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना। ठीक है, जो हमारा सिलेबस है, जो पाठ्यचर्या है, उसका बोझ बच्चों पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसी को कम करने की बात की गई है। इसी के तहत क्या हुआ था कि जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास के बच्चे हैं उनका सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण को एक ही बुक में शामिल कर दिया गया था, जिससे कि उन्हें ज़्यादा किताबों का भार वहन ना करना पड़े और उनको उनको जितनी नॉलेज देनी है वो उनको नॉलेज भी पहुँच मतलब उन लोगों को मिल जाए और उनको किताबों का भार भी वहन ना करना पड़े। इसीलिए थर्ड फोर्थ फिफ्थ में आप लोग देखते हैं कि जो हमारा EVS है उसमें सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण दोनों को शामिल किया गया है। ठीक है, फिर है NCF 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या है, कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक्स को विद्यार्थी के दैनिक जीवन से जोड़ना। ये आपकी गणित की ही बात नहीं हो रही, यहाँ पे तो उन्होंने गणित से पूछा है, लेकिन अगर जो आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं तो NCF 2005 सारे सब्जेक्ट्स के लिए यही कहता है कि हम उसको क्या करें, दैनिक जीवन से जोड़ करके पढ़ाएं, जिससे कि बच्चे को समझने में आसानी हो और वह उस ज्ञान को प्रैक्टिकली यूज़ भी कर पाए, अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग भी कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि NCF 2005 में कक्षा शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, यहाँ महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है, तो महत्वाकांक्षी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, गणित के उच्च उद्देश्य की प्राप्ति करना। ठीक है, गणित के बारे में बात हो रही है तो गणित के उद्देश्यों की प्राप्ति करना, अगर जो यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट की बात कर रहे होते तो उस सब्जेक्ट की उद्देश्य की प्राप्ति करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि शिक्षण महत्वाकांक्षी का मतलब क्या हो गया कि उद्देश्य की प्राप्ति करना, सुगमता मतलब कि जो आसानी से बच्चों को समझ में आ जाए, सुगम हो, ये नहीं कि बहुत हम कॉम्प्लेक्स करके चीज़ें पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझ में नहीं आ रही हैं, उनको आसानी से समझने वाला होना चाहिए शिक्षण, और दूसरा कि महत्वपूर्ण होना चाहिए, उसमें जो हम पढ़ा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, NCF 2005 में गणित की लंबी आकृति, गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है, तो ये है आपका एकता संकल्पना पर दूसरी, सॉरी एकता नहीं एक होगा, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, ये मतलब है गणित की लंबी आकृति का। ठीक है, कि मतलब जैसे एक कॉन्सेप्ट कोई बन गया, अब उसी कॉन्सेप्ट पे दूसरा कॉन्सेप्ट आप बनाते जाएंगे। ठीक है, वो आपका हो जाएगा गणित की लंबी आकृति, कि जैसे कि आपने क्या कहा कि 2+2 क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, तो जब 2 में 2 जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। ऐसे ही जब 2 में 2 जोड़ा जाएगा और 2 में 2 जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो जब बच्चे का ये कॉन्सेप्ट बन गया तो आप उसको आप बता सकते हैं कि जब 2 में 2 जोड़ा गया तो 2 को
दो से गुणा कर देंगे तब भी क्या हो जाएगा, चार आ जाएगा। ऐसे ही जब दो तीन दो है, यानी कि दो को तीन से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, छः हो जाएगा। तो ये दोनों एक जैसे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे और ये दोनों एक जैसे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट पे जब दूसरा कॉन्सेप्ट बनाते हैं तो वो गणित की लंबी आकृति हो जाती है। फिर है कि NCF 2005 बल देती है। तो आपको पता है कि NCF 2005 होती है वो करके सीखने पर बल देती है, लर्निंग बाई डूइंग, ठीक है। हम करके सीखते हैं, ठीक है, लर्निंग बाई डूइंग हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, NCF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। तो किसकी बात कर रहे हैं, कला शिक्षा क्यों जोड़ी गई है, मतलब जो हमारा सिलेबस है उसमें कला शिक्षा को क्यों शामिल किया गया है। तो जो इसका उद्देश्य है वो क्या है, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, ठीक है। तो जब कला बच्चों को पढ़ाई जाएगी तो जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं और जो हमारी पेंटिंग्स हैं उनके बारे में बच्चों को पता चलेगा, तो उनको पता चलेगा कि हमारे देश में कौन कौन सी सांस्कृतिक विरासत वाली चीज़ें हैं और उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, पहले के लोग कैसे चीज़ें बनाते थे। तो वो इन्फ्लुएंस होंगे, वो भी कुछ नया करने की उनमें प्रेरणा जागृत होगी, ठीक है। और इससे क्या होगा कि छात्रों के व्यक्तित्व एवं मानसिक स्वास्थ्य भी विकसित होगा, उनका जो डेवलपमेंट है वो भी आसानी से होगा और वे इस दिशा में भी अपना एम बनाने को सोच सकते हैं, इस दिशा में भी वे क्या कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं और कुछ नया बना सकते हैं, ठीक है, नए चीज़ की रचना कर सकते हैं। फिर है NCF 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। तो बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को, तो NCF 2005 में मेन बात यही कही गई है कि जो पाठ्यक्रम है उसको में सुधार लाया जाए, जिससे कि बच्चों का भार जो है वो कम हो और उनको ज्ञान उतना ही मिले लेकिन जो उनका जो भार है उसको कम कर दिया जाए। जो हमारा पाठ्यक्रम है वो उसमें थोड़ी क्या हो, उसमें थोड़ी लोचशीलता लाई जाए जिससे कि बच्चे आसानी से चीज़ें समझ सकें, ठीक है। तो जो हमारा पाठ्यक्रम है कि जो संरचना है उसमें सुधार लाया जाए और उसको अनुभवजन्य बनाया जाए, यानी कि बच्चों के अनुभव से जोड़ करके और बच्चों के जो बाहरी दुनिया है उससे जोड़ करके उसको पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये आपके 30 प्रश्न हो गए आज के। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्न देख लेंगे। अगर जो आपको ये प्रश्न पसंद आते हैं तो आप हमारी वीडियो पसंद लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और इसके बाद के जो प्रश्न हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसके बाद वाली भी क्लास आप लोग करना मत भूलिएगा, ठीक है। वैसे दो ही प्रश्न बचे हैं, वो इसके आगे के और भी प्रश्न हैं वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, इसलिए ये हम लोग कर ही लेते हैं, ठीक है। तो 30 तक हो गया है। 31 क्या है हमारा, कि NCF 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी। तो सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, ठीक है। तो विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे जो हैं वो किसमें शामिल किए जाएंगे, तो वो सामाजिक अध्ययन में शामिल किए जाएंगे, ठीक है, मतलब किए जाने की बात की गई थी, जाएंगे नहीं। NCF 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत, जब ये मैंने आपको ऊपर एक प्रश्न बताया था उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है कि टोटल 5 मार्गदर्शक सिद्धांत बताए गए हैं, तो वह कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा हमारा हो जाएगा, कि जो हमारा ज्ञान है उसको किससे जोड़ना है, बाहरी जीवन से जोड़ना है, ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, रटन प्रणाली से मुक्त होना, पाठ्यचर्या का इस तरह का समर्थन हो गया वह बच्चों का चौमुखी विकास मुहैया कराए, यानी कि जो हमारा सिलेबस है वो ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को का सर्वांगीण विकास करे, उनका चौमुखी दिशा में विकास करे, ठीक है। फिर फोर्थ आपका क्या है, कि परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाया जाए,
और कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना, इसीलिए हम लोग इसमें ओपन बुक एग्ज़ाम भी रखेंगे, यानी कि खुली किताब मूल्यांकन भी इसमें किया जाएगा, क्योंकि बच्चे को तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना है। जब वो एग्ज़ाम देते हैं तो उनका जो वातावरण है वो तनावपूर्ण हो जाता है, इसलिए उस वातावरण से बच्चे को मुक्त करने के लिए खुली किताब परीक्षाएं भी आयोजित करवाई जाएंगी और उनकी परीक्षाओं को लोचशील बनाया जाएगा और एग्ज़ाम में सॉरी क्लास में क्या हो जाएगा, एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाएगा, बच्चे को गतिविधियाँ करा करके सिखाया जाएगा, उनको समूह कार्य दिया जाएगा जिससे कि वे समूह में एक दूसरे से चीज़ों को सीख सकें। ठीक है, फिर सबसे लास्ट क्या है कि एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिससे प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएँ शामिल हों, राष्ट्रीय चिंताएँ होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें ऐसा बात हो गई कि जो कक्षा है वो क्या होनी चाहिए, प्रजातांत्रिक होनी चाहिए। ठीक है, डेमोक्रेटिक क्लास होनी चाहिए, यानी कि बच्चा जो है उसके चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को किस चीज़ की नीड है उसका ध्यान रखना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं को शामिल करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं को शामिल करना चाहिए मतलब जो हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए बच्चे का उसमें नेशनल चीज़ों से मतलब जो हमारा राष्ट्र है उससे संबंधित चीज़ें होनी चाहिए, इसीलिए जो पाठ्यक्रम है NCERT यही ये भी कहता है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने हमें जो क्रांतिकारी हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराया उनके बारे में होना चाहिए, जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं उनके बारे में होना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होगी। ठीक है, तो ये इसके मेन 5 सिद्धांत हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के प्रश्न करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।